बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, SQS Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने ही पलीता कर दिया। 54 लाख रुपए की अधिशासी अभ्यंता के अकाउंट में कहां से आ गए, इसका कोई जवाब फिलहाल 3 महीने हो गए लेकिन किसी के पास नहीं है। अधिशासी अभ्यंता का कहना है कि उन्हें फंसाया गया है लेकिन वह खुद इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे। विभागीय कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ और रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो अपने साथी के पक्ष में यूनियन खड़ी हो गई। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की समीक्षा बैठक का भी अभ्यंताओं ने बहिष्कार किया। दबी जुबान में अभ्यंताओं के बीच ही चर्चा है लेकिन यूनियन को अपने अभ्यंता के पक्ष में साथी होने के कारण मजबूरन आना पड़ा है। संभवतः यही कारण रहा कि MD कार्यालय पर अभ्यंताओं ने धरना प्रदर्शन तो किया लेकिन जानकारी देने के सवाल को उन्होंने यह कहते हुए टालने की कोशिश की यह उनका व्यक्तिगत मामला है। हालांकि बाद में एक प्रेस नोट जारी कर उन्होंने दावा किया कि PVNL की पूरी टीम की चिट्ठानी एकता के सामने ऊर्जा मंत्री को रिपोर्ट निरस्त करवाने वे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आश्वासन देना पड़ा। ऊर्जा मंत्री ने भी इस मुद्दे पर इशारों में समझाने की कोशिश की कि कुछ लोगों के कारण विभाग को बदनामी का सामना करना पड़ता है लेकिन साथ ही यह भी जोर दिया कि वह ऐसा इस मामले में नहीं कर रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार की जड़ें घर कर चुकी हैं। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ये कहते नहीं थक रहे हैं कि योगी सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि बीती 9 मार्च नोएडा में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सहित 3 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर 54 लाख रुपए का गबन करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस उपायुक्त संकल्प शर्मा ने जानकारी दी थी कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम नोएडा के अधीक्षण अभियंता BL मौर्या ने थाना सेक्टर 20 में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय सेक्टर 18 का विजया बैंक में खाता है। उक्त बैंक में वर्ष 2019 में 54 लाख रुपए की धनराशि जमा कराई गई थी लेकिन तत्कालीन अधिशासी अभियंता संजय शर्मा, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकारी रामरतन सुमन तथा तत्कालीन कार्यालय सहायक महेश कुमार ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी कर उक्त रकम को राजस्व खाते में नहीं दिखाया। इस मामले में बिजली विभाग द्वारा आंतरिक जांच की गई थी। अनियमितता पाने पर संजय शर्मा, रामरतन सुमन तथा महेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। अधीक्षण अभियंता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 420, 409, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। मालूम होता है कि निलंबित अधिशासी अभियंता संजय शर्मा ने जनवरी माह में थाना सेक्टर 49 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सेक्टर 50 स्थित बैंक के कर्मचारियों ने बिजली विभाग द्वारा उनके यहां जमा कराए जाने वाले उपभोक्ताओं के ड्राफ्ट एवं DD को धोखाधड़ी करके बुलंदशहर के एक बैंक में जमा करा दिया। ये घोटाला 1.77 करोड़ रुपए का था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें कुछ बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मी भी शामिल हैं। हालांकि उक्त घोटाले में भी आरोपी अधिशासी अभियंता संजय शर्मा और बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर उंगली उठी थी। अब आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को यह मंडलीय समीक्षा बैठक करनी थी जबकि अभियंता यूनियन ने सुबह से ही कॉर्पोरेशन के MD कार्यालय में तंबू लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। धरने को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष CP सिंह ने कहा कि संजय शर्मा को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है, लिहाजा कोई भी कार्रवाई से पूर्व उनका भी पक्ष लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि जिस 54 लाख रुपए की बात की जा रही है वह गबन नहीं किया गया बल्कि अकाउंट में ही अतिरिक्त पाया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ 2-3 लोगों के कारण विभाग की बदनामी होती है। हालांकि वह यह बात संजय शर्मा के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच करने का आश्वासन दिया जिस पर धरना समाप्त कर दिया गया। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। गलत काम अगर कर रहा है कोई तो उसकी चिंता आप सबको भी करनी पड़ेगी क्योंकि परसेप्शन में आप सब लोग मेहनत करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्तियों के कारण कॉर्पोरेशन की छवि खराब होती है।
मैं इस मामले में बात नहीं कर रहा हूं, आज का जो प्रकरण है इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। आप नीचे की चीजों को संभाल लो और आपका किसी भी स्तर पर कहीं कोई दादागिरी नहीं होगी, हमारे कोई षड्यंत्र के तहत कहीं भी किसी को कोई फंसा दे और फिर परेशान कोई करे, ऐसा मेरी सरकार में होने वाला नहीं। इसके लिए आप आश्वस्त, एक कमेटी का और का गठन कर देंगे, मैं अभी चेयरमैन को बात करता हूं और कमेटी फिर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और कमेटी के सामने जो भी इनके खिलाफ भी जांच चल रही है सज्जन वो अपनी बात रख सकते हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका भी मिलना चाहिए, अपनी बात रखें और कानून है अपना काम करेगा, लेकिन हाँ अनजस्टिस किसी के साथ नहीं, ये मैं आपको आश्वस्त। बाद में यूनियन उपाध्यक्ष सीपी सिंह ने धरने प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी, आइए देखते हैं वह क्या बता रहे हैं। सीपी सिंह उपाध्यक्ष अभियंता संघ पश्चिमांचल। सर आज किन मांगों को लेकर आप यहां पे धरने पे बैठे हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के बैनर तले यहां आज इकट्ठे हुए हैं और हमारा एक अधिशासी हमारा जो अभियंता संघ का मेंबर है कर्मठ मेंबर है संजय शर्मा अधिशासी अभियंता नोएडा में, वहाँ पे उसको एक तो ट्रांसफ़र किया फिर उसको सस्पेंड किया, अब उसके खिलाफ़ FIR कर दी गई है बिना किसी कारण के। उसने कई जो बैंक ने फर्जी चेक हमारे डिवीज़न के अकाउंट में ना जमा करके बैंक के कर्मचारियों की मिली भगत से दूसरे अकाउंट खुलवा के उन्होंने उसमें चेक जमा किए करीब 1.5 करोड़ के, और उन चेकों को का रिकन्सिलेशन उस अधिशासी अभियंता ने संजय शर्मा ने पकड़ा और उनकी FIR की बैंक वालों की 8 लोग जेल भी भिजवाए। अब उल्टा उसी के खिलाफ साजिश रख के मैनेजमेंट ने उसको जेल भिजवा दिया, मतलब उसके खिलाफ FIR कर दी। तो ये हमारे अभियंता साथी के साथ में इनजस्टिस है और हम ये चाहते हैं, हमारी अभियंता संघ की मांग है कि उसको जल्दी से जल्दी रिइंस्टेट किया जाए और उसका के खिलाफ जो FIR है वो वापस ली जाए। उनसे हमारे यही उनसे भी माननीय ऊर्जा मंत्री जी से उनसे भी हमारी यही मांग है कि संजय शर्मा को जो सस्पेंड किया है उसको तुरंत रिइंस्टेट किया जाए और उसके खिलाफ जो FIR की गई है उसको वापस लिया जाए। वो बाकी आगे हमारी जो भी कार्यकारिणी है पश्चिमांचल की वो डिसाइड करेगी, उसी हिसाब से हम लोग अगला स्टेप उठाएंगे। हम लोग अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बहिष्कार भी किया जा सकता है और मांगे मान ली जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।